सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मॉरिस गेमिंग और आज हम खेलने वाले हैं सिटीज स्काईलाइंस। और जैसे कि आप सबको पता है कि सिटीज स्काईलाइंस 2 का ट्रेलर भी आउट हो चुका है और कुछ ही दिनों में वो वाला गेम भी आपको मिल जाएगा। और अभी के लिए फटाफट से हम अपना मैप सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज किसमें है। और आई थिंक इसमें ना ठीक ठाक टाइप के रिसोर्सेज है। हमें नेचुरल रिसोर्स भी मिल जाएगी और पानी भी मिल जाएगा अच्छे लेवल का। और फटाफट से इसको लोड कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लोड होने में और जब तक ये लोड हो जाएगा तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, फाइनली हमारा वर्ल्ड जो है लोड हो चुका है और यहाँ पे मेरे को इसको क्लोज करना है। सबसे पहले चेक करते हैं हमें कौन सा लैंड मिला है। भाई साहब, ये तो पानी के बीचों बीच है। ये तो एक आइलैंड मिला है एक्चुअली। हाँ, आइलैंड मिला है। और आई थिंक रोड की कनेक्टिविटी हमें एक ही साइड से मिली है और हम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। बाद में हम जो है लैंड जो है बाहर भी क्लेम कर सकते हैं, बाहर भी बाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास रोड जो है दो साइड पे है, एक तो यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये वाला रोड जो है ना यहाँ ये मैं कनेक्ट करने वाला हूँ अपनी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ। और ये वाला जो है ये मैं करने वाला हूँ जहाँ पे लोग रहेंगे, जहाँ पे अपनी मेन सिटी रहेगी। अभी बिगनिंग में मुझे सिटी ही चाहिए तो मैं यही वाला कनेक्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा, एरो देखना पड़ेगा। ओके, ये वाला रोड आ रहा है और ये वाला रोड जा रहा है। सबसे पहले मेरे को गेम को रिज्यूम करना है और रोड सेलेक्ट करने हैं। ओके, सबसे पहले ये हटाना पड़ेगा और ये भी हटाना पड़ेगा। इसमें आपको रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं। सबसे पहले ना मुझे रोड देखना चाहिए कि कहाँ तक लेके जाना है। आई थिंक यहाँ तक लेके जाना है। ओके, एक रोड तो मैंने बना दिया बट ये काफ़ी स्लोप एरिया बनना है। कोई बात नहीं यार, इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं हम। और ये आने का रास्ता हमने बना दिया है। अभी छोटे मोटे घर जो है ना हमें यहीं पे बनाने चाहिए और हाँ यहीं से स्टार्ट करते हैं। बाकी पत्थर वगैरह जो है ना इनको अभी रहने देते हैं क्योंकि पत्थर से अभी हमारा कोई काम नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, और यहाँ से मेरे को इधर से सिलेक्ट करना है यहाँ तक, करेक्ट। और एक और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब इनको आपस में जोड़ भी सकते हैं हम। ओके, फाइनली हमारा ये वाला एरिया सेलेक्ट हो चुका है जहाँ पे मैं एक्चुअल में सिटी बनाने वाला हूँ। बट ये पत्थर बीच में आ रहे हैं, मैं यहाँ पे एक और लाइन खींचना चाहता था, एक और रोड बनाना चाहता है। ट्राई करते हैं शायद बन सकता है, बट नहीं, पत्थर ऑटोमेटिकली आई थिंक हट जाएंगे, हटने चाहिए वैसे। और राइट, हट गया ऑटोमेटिकली, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। बट ये रोड थोड़ा सा छोटा रह गया। ओके, मेरे को नहीं हटाना पड़ेगा। ऑल राइट, ये कनेक्ट हो चुका है। बट ये मैंने एक ब्रिज टाइप बनाया है, बाद में शायद हमें आगे की तरफ कनेक्ट करना पड़े, इसलिए मैंने अभी बना के रखा हुआ है। अब जो मैं एरिया सेलेक्ट करने हैं, अलग अलग एरिया, जैसे ये कमर्शियल एरिया बनाएंगे या फिर हमें रेजिडेंशियल एरिया बनाना है। मुझे लगता है अभी रेजिडेंशियल एरिया ही बनाना चाहिए। अभी मैंने बस आने के लिए जगह बनाया, तो रेजिडेंशियल एरिया ये बीच में सेलेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक यही बेटर रहेगा। और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़, और इसको हम रेजिडेंशियल एरिया बना देंगे, इसको भी बना देंगे और इसको भी बना देंगे। यहाँ पे हम कुछ ऐड नहीं कर सकते अभी। अभी आई थिंक घर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, रोड कनेक्टेड नहीं है तो बंदे बाहर नहीं जा सकते, तो शायद हमें ये वाला रोड भी कनेक्ट करना पड़ेगा। और आई थिंक मुझे यहाँ से एक रोड लेना चाहिए, यहाँ से। ओके, तो हमारा पहला घर आई थिंक बनने वाला है यहाँ पर। थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा देते हैं गेम का। ओके, बहुत सारे घर बनने लगे हैं। ये फर्स्ट वाला क्या परफेक्ट एनिमेशन के साथ घर बन रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये थी कि एक बंदा दिख रहा है क्या सामने? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा ये बंदा है बट बंदा नहीं था। ओके, हमें ना ये रोड जो है कनेक्ट करना पड़ेगा बाहर वापस जाने के लिए। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। और राइट, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट कोई नहीं, काम चल जाएगा। अभी बंदे यहाँ से वापस जाएंगे, फिर यहाँ से घूम के यहाँ से वापस जा सकते हैं। बट घर तो बन गए बट हमने अभी तक इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी और पानी का जुगाड़ नहीं कर रखा है। सबसे पहले ना इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ करते हैं। और उसके लिए आई थिंक मेरे को ये कोल प्लांट लगा लेना चाहिए। कितने का है ये? थोड़ा सा महंगा है। कोल प्लांट अभी नहीं लगाएंगे, बस अभी ये लगा देंगे, इससे काम हो जाना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का इशू तो सॉल्व हो गया। अभी दूसरा इशू जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, वो है पानी का। तो पानी के लिए हमें सबसे पहले इसको बंद करना पड़ेगा। तो
पानी उठाने के लिए ये लगा देंगे, आई थिंक यही पास में लगा देना चाहिए, और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए आई थिंक ये थोड़ा सा दूर लगा लेते हैं, इस तरफ लगा लेते हैं। अब इसको आपस में कनेक्ट करते हैं पाइपलाइन के साथ। ओके तो यहाँ से फिर इसके साथ ओके कनेक्ट हो गया है। अब ये पूरे स्टीम में हम ऐसे पानी लेके जा सकते हैं। ओके एक बीच में भी एक लाइन खींचनी पड़ेगी। और राइट ये जो यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है ना, ये लाइन दिख रही है ना, इसका मतलब है यहाँ तक पानी पहुँच चुका है, या जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। बट यहाँ पे अभी मैंने पानी नहीं ले गया, और अभी तो सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया बनना है। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, क्योंकि इस पर अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची है। तो मेरे को ना एक लाइन बिछानी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, ताकि ये गंदा पानी भी बाहर खींचे, अदरवाइज ये गंदा पानी बाहर नहीं खींचेगा जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। और ये वाला एरिया तो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें दूसरा एरिया बनाना है अपना। रेसिडेंशियल तो हो गया कंप्लीट, अभी दूसरा एरिया हमें बनाना है जहाँ पे हम इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं, और आई थिंक यही वाला एरिया बेटर रहेगा हमारे लिए। उसके लिए आई थिंक हमें ये वाले रोड्स नहीं, दूसरे टाइप के रोड्स यूज़ करने चाहिए जो वन वे हो, ये वाले। ओके फिर यहाँ से हम यहाँ तक लेके जाएंगे, बट इसमें ऐसे पैसे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बट कोई नहीं, वन टाइम यूजेज है। ओके तो यहाँ से हम बाद में स्टीज जो है वो बना सकते हैं अपने फर्स्ट वाले रोड के साथ, जो बिगनिंग में हमने ऑन करा था, नहीं ये नहीं था, हाँ यही था। अब यहाँ पे भी हम रोड्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है तो हमें थोड़ा ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे, थोड़ा परफेक्ट हो गया है स्क्वायर। और अभी हमें यहाँ पे भी कुछ एरियाज सेलेक्ट करने हैं, ऐसे और ऐसे जोनिंग करनी है एक्चुअली, तो छोटे छोटे प्लॉट्स वगैरह बनाने हैं, ताकि ज़्यादा यूजेज, कुछ बंदे ज़्यादा लैंड यूज ग्रैब ना कर सके। ऑल राइट और यहाँ पे मुझे ना बीच वाला पार्ट नहीं लगाना चाहिए था, ये मेरे को एक्चुअली हटाना पड़ेगा, इसको मैंने हटाया क्यों मैं बाद में बता दूंगा। अभी जो है मेरे को ये वाला सेलेक्ट करना है। ओके अब इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते हैं, चारों तरफ से इंडस्ट्रियलाइज हो गया, चलो ये भी इंडस्ट्रियल एरिया जो है सेलेक्ट हो गया, ये वाला एरिया भी ओके, ये वाला एरिया भी ओके, फाइनली ये पूरा एरिया जो है ना अब इंडस्ट्रियलाइज जोन हो चुका है। ओके परफेक्ट एनिमेशन के साथ ये वाले घर भी बन रहे हैं, मस्त तरीके से बन रहे हैं। अभी रात का टाइम है तो बारिश भी हो रही है, बट बहुत सही लग रहा है। अभी इनको भी एक इशू होने वाला है कि इनको इलेक्ट्रिसिटी और पानी का प्रॉब्लम होने वाला है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे भी एक विंड मिल लगा लेते हैं अभी के लिए। ओके यहाँ पे लग गया, अभी पानी के लिए भी हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर हम पाइपलाइन वहाँ से लेके आ सकते हैं, यहाँ से हम पाइपलाइन लेके आ सकते हैं। हमें अलग से कुछ इसके लिए वाटर टैंक सिस्टम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि पाइप जो है काफ़ी दूर तक जा सकती है आराम से। ओ पॉपुलेशन 300 तक पहुँच गया भाई, इतना फास्ट। आज हम आई थिंक 1000 तक हमें कर लेना चाहिए। बट अभी हमने एक जोन जो है वो बनाया नहीं है, वो है मार्केट। अभी हमने मार्केट जो है वो सिलेक्ट नहीं करा है, तो मार्केटिंग के लिए ना जो मार्केट बनाना है उसके लिए मुझे आई थिंक यहाँ से रोड्स जो है वो चूज़ करने चाहिए। आई थिंक इधर मिडल में हमें बनाना चाहिए मार्केट, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। भाई मैंने इंडस्ट्रीज तो बनाई है बट इनका रोड जो है वो मैंने लिंक नहीं करा है, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं भूल गया एक्चुअली। ओके ये वाला रोड भी है कनेक्ट हो चुका है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सही तरीके से होगी, अभी हमें पैसे भी बहुत सारे मिलेंगे। ओके 370 पॉपुलेशन हो चुकी है और पैसे भी ठीक ठाक आ रहे हैं, 200 रुपये तक आ रहे हैं अभी। मार्केट आई थिंक इधर बीच में लगाना चाहिए मार्केट। ओके तो फिर मेरे को रोड जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, एक रोड यहाँ से आएगा जो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट रहेगा। नहीं आई थिंक टेढ़ा रास्ता बनने वाला है, कोई बात नहीं यार, टेढ़ा भी बन जाएगा तो क्या हुआ, एक रोड डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। यस और अब हमें यहाँ पे थोड़े से मार्केट के लिए ऐसे
जैसे अगर हम बीच में लाइंस बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। हमें ये रोड जो है ऐसे लेना चाहिए। अब बीच वाला जो है वो हमने फ्री में रखा हुआ है ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। करेक्ट, ये भी ठीक हो गया। अभी सबसे पहले मुझे इसको कनेक्ट करने पड़ेगा इसके साथ, और ये वाला रोड भी हम यहाँ के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अभी बीच में भी जो पार्टीशन करनी है तो ये भी लेफ्ट से ही लेके जाएंगे, और सेम तरीके से यहाँ पर भी एक और रोड लगा देंगे। ऑल राइट, ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें इसको जोनिंग करनी है। इसको अब हम मार्केट डिसाइड कर दिया तो अब हम यहाँ पर मार्केट ही बनाएंगे। ये वाली लाइन हमें छोड़नी है फ्री में। और नहीं, ये फ्री में छोड़ना था। ओके, तो ये पूरा एरिया जो है ना अब मार्केट डिसाइड हो गया है। अब यहाँ पे भी अभी दुकानें वगैरह बनना स्टार्ट हो चुका है। ओके, परफेक्ट एनिमेशन के साथ अभी दुकान वगैरह भी बन रहे हैं। अब ये बाद में देखेंगे। अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बंदे बीमार पड़ रहे हैं। ये क्या है? अच्छा, हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके, ये तो बाद की बात है। अभी हमें सबसे पहले इसको बंद करना है और हॉस्पिटल के लिए देखना है कि हमारे पास हॉस्पिटल के लिए पैसे है कि नहीं है। बट नहीं, अभी हमारे पास हॉस्पिटल के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अभी सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, अभी मेरे को ना टैक्सेस का जुगाड़ करना पड़ेगा। टैक्स बढ़ाना पड़ेगा कुछ एरियाज़ में ताकि पैसे जल्दी जल्दी बन सके। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होने वाला है, तो मैं एक और विंडमिल यहाँ पर लगा रहा हूँ ताकि इनको सही से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। और पानी का आई थिंक जुगाड़ अभी नहीं हुआ इनका। ओके, पानी का भी जुगाड़ कर लेते हैं इनके लिए। ऑल राइट, पानी का भी जुगाड़ हो चुका है और इनके पास पानी भी आ गया, इनके पास भी पानी आ गया। बट इनके पास अभी बंदे काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी कम पड़ रही है इनको। बट मैंने विंडमिल 3 तो लगा दिया है 3 एरियाज में, काम हो जाएगा आई थिंक इतने में। अरे वाह, हमारी पॉपुलेशन कितनी हुई है, 574। ओके, बट अभी हम हॉस्पिटल नहीं लगा सकते क्योंकि इसके लिए 10,000 रुपये चाहिए और हमारे पास पैसे है सिर्फ 800 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक हमारे पास पैसे आएंगे। तब तक मुझे लगता है कि गेम को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा ताकि जल्दी जल्दी पैसे आ सके और पॉपुलेशन भी जल्दी जल्दी ग्रो हो। ओके, पॉपुलेशन 600 तक पहुंच चुका है। ओके, वर्दी विलेजेस, अब कुछ और भी चीज़ें, अब हम लैंड भी बाय कर सकते हैं। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर्विसेज प्रोवाइड करना। अभी देखो यहाँ पे कचरा भी जमा हो रहा है तो उसके लिए भी सर्विसेज हमें चाहिए। सबसे पहले ना मेरे को एक स्कूल बनाना है। ये जो मैंने बीच में खाली रखा था ना, इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे मैं गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह लगाना चाहता हूँ। स्कूल भी एक लगा लेते हैं, परफेक्ट। फटाफट से मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक चाह। ओके, हो गया 4,000 रुपीज़। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं कहीं पे भी। करेक्ट, अभी कचरा जो है ना यहाँ से लेके आएंगी गाड़ियाँ। ये देखो गाड़ियाँ निकल रही है यहाँ से कचरा लेने के लिए जा रही हैं। बट यहाँ पे स्मोक देखो यार, धुआं देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू चल रहा है। तो इनके लिए मुझे एक और विंडमिल लगाना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर पाएँ। ऑल राइट, अभी सिर्फ बंदों का प्रॉब्लम है कि बंदे बहुत कम है। हमारी सिटी ग्रो करनी पड़ेगी हमें, इसलिए हमें एक और रोड जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ से हमें सिटी ग्रो करनी पड़ेगी क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सिटी वाले कह रहे हैं कि न्यू प्लेयर्स लेके आओ, न्यू बंदे लेके आओ सिटी में। तो अभी पॉपुलेशन जो है 700 तक पहुँचने वाला है। जैसे 700 टच करेगा ना, एक और अचीवमेंट हमें मिल जाएगी। बस तब तक हमें वेट करना है। देखो अभी जो हमारी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। हमने 3 विंड मिल्स लगाई हुई है बट वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे बेटर ये था कि हम बिगनिंग में ही एक कोल प्लांट लगा लेते जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता पूरी सिटी के लिए। ओके ना, थोड़ा बहुत लोन ले लेते हैं। ऑल राइट, अभी हमने 20,000 का लोन लिया है और ये वाली जो मशीन है ना, कोल पावर प्लांट, ये अब हम लगाने वाले हैं यहाँ तक ताकि यहाँ पे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर सकें। ऑल राइट, यहाँ पे लगा दिया हमने और इसको हम मूव करने वाले हैं। अभी ये वाली विंड मिल को हम मूव करने वाले हैं। ये आई थिंक हमें सिटी में ही लगाना चाहिए क्योंकि सिटी में भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। आई थिंक इसके पास ही लगा देना चाहिए।
ओके, एक नई अचीवमेंट भी आई है, अभी हमारी पॉपुलेशन जो है 900 टच कर रही है। मुझे लगा था 700 पे मिलेगा बट 900 पे मिला है। अभी हर एक वीक में ना 90 बंदे न्यू आ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का इशू आई थिंक कम हो जाएगा, बहुत कम हुआ है, बहुत कम। अभी पैसे भी बहुत ज़्यादा मिले हैं हमें, तो हम अभी जो है कुछ नई सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। मैंने पुलिस स्टेशन यहाँ पे कहीं पे लगा देना चाहिए, आई थिंक मेरे पास नहीं कोई पुलिस स्टेशन नहीं लगा हुआ है, तो इसके बगल में लगा देते हैं। अब देखते हैं कि क्या इनके यहाँ पे पुलिस जीप आएगी केस सॉल्व करने के लिए, बस मुझे मार्क करके चेक करना है। आई थिंक गाड़ी आ रही है, यस यस यस, ओके। तो जहाँ जहाँ से गुजरेगी ना वहाँ से क्राइम ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें अभी अलग अलग तरीके से सिटी को एक्सटेंड करना है, लैंड बहुत कम है हमारे पास, तो हमें छोटे छोटे रोड्स बनाने पड़ेंगे ऐसे। ओके, यहाँ से भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा रोड्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे एक रोड जाएगा यहाँ तक, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और एक और रोड यहाँ से भी लेके जाएंगे, छोटी सी जगह है, यहाँ तक लेके जाएंगे, इसको भी कनेक्ट करना है। ऑल राइट, ये जितना भी एरिया है ना, ये जितना भी एरिया है यहाँ पे, सबसे पहले ना मेरे को एक चीज़ करनी है कि मेरे को ये विंडमिल को थोड़ा सा यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने ये गलत जगह पर लगाई हुई है और मेरे को याद ही नहीं आया कि मैं बाद में यहाँ पर जो है वो स्टीज़ को ग्रो करने वाला हूँ। अब इनको मूव करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हुआ है इनके साथ। अब हमारे पास देखो डिमांड बहुत ज़्यादा है रेजिडेंशियल एरिया का, तो अब हम रेजिडेंशियल एरिया ही इसको सिलेक्ट करेंगे। भाई जैसे मैंने क्लिक करा ना, बंदे रहने के लिए आ गए। एक तरकीब आई है मेरे पास कि मेरे को ना यहाँ पे कुछ लाइन बिछानी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है ना, अब ख़त्म हो जाना चाहिए जितना मुझे लगता है। हाँ, करेक्टली ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ तक लेके पहले आया हूँ, बस मेरे को कनेक्ट करना है। ऑल राइट, फिनिश। यहाँ पे बंदे जो है बहुत खुश हो चुके हैं और मुझे लगता है कि हमें पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। रोड ऐड करने पड़ेंगे, अभी पता नहीं मैं ब्रिज क्यों बना रहा हूँ, बट मस्त लग रहा है। अभी थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ानी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे ना लैंड बहुत कम है, बाद में हमें बाई भी करना पड़ेगा। आई थिंक इतने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ बढ़ रही है यार। मुझे लगा था हम 1000 कर देंगे आज पॉपुलेशन, बट पॉपुलेशन 1600 तक पहुँच चुका है, और मुझे लगता है कि हमें अगर ऐसे ग्रो करते रहे ना, हमें और ज़्यादा लैंड जो आसपास बाई करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन 1700 तक पहुंच चुका है। अभी हमें सबसे पहले ना कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे एक स्कूल ऐड करना था, हाई स्कूल मुझे ऐड करना था, तो कहाँ पे करें? आई थिंक हाई स्कूल मुझे यहीं पर ऐड करना चाहिए ताकि सबको फ़ायदा मिले इसका। चलो, अभी कैपेसिटी 1000 की है और एलिजिबल बहुत सारे हैं। यूनिवर्सिटी में अभी कोई एलिजिबल ही नहीं है, तो हमने लगाए भी नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरी में एलिजिबल भी कोई नहीं है और हमने लगाए भी नहीं है। अभी पब्लिक लाइब्रेरी भी हम लगा सकते हैं, आई थिंक ये वाली पब्लिक लाइब्रेरी है। हाँ, ऑल राइट यार, अभी 1743 पॉपुलेशन हो चुका है और हमें वीकली 3000 रुपीज़ आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। सो गाइस, आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी कोई सजेशन देना है ये वाली गेम सीरीज़ का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।